Hey y'all, come look at this. इस की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है, मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है, नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से। उसके पहले कई साल कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। मतलब डेली नए लोग आते हैं, जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। अच्छा। और ये यूपी की जो पुलिस है जो मेरे एरिया में वो खड़े होकर के देखती है। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझ पे अटैक हुआ है उसको पकड़ो वो चोर है, उसको पकड़ो वो कल्प्रिट है। तो ये क्या करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो भाग जाता है, वो फिर से पीछे से आ जाता है, फिर से वही करने लगता है। तो क्यों है? मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहाँ पे थे वो आ गए, उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला तो मैं भाग ही रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है। पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अटैक कर रही हैं और आप ही लगातार मार रही हैं। तो इन्हीं के तो लोग थे। सादात अली ने अपने मुंह से कहा है कि उनको जो है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आई, तो उनको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा किसी ने? और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते। और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता, ठीक है। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कॉन्टैक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग जो ऐसे लोग हैं वो मेरे तक पहुंच जाते हैं।